की जाती है, सीधा सीधा उनके ऊपर कार्यवाही की जाती है और वह भी कार्यवाही जो नियम संगत नहीं। पूरे प्रदेश का भ्रमण करते हैं, आपको यह अनुभव होगा कि उत्तर प्रदेश में कितने काम हुए हैं। एक काम अखिलेश यादव ने प्रारंभ किया अपने सरकार, लंबाई चौड़ाई चाहे जितना बढ़ा लिए हों, इसके अलावे सड़कों पर और जमीन पर कोई काम नहीं हुआ। आप पूरे उत्तर प्रदेश में नजर दौड़ा लीजिए, चाहे वह बलिया की बात हो चाहे हाथरस की बात हो, इसके बीच जितने जनपद आते हैं किसी भी जनपद में किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ है। यह क्यों सरकार के लगने लगे तो सरकार के पैसे इस बात को प्रदेश की बात है। लेकिन मैं सीधे सीधे बात करता हूँ, मैं जहाँ रह रहा हूँ, जहाँ आप कलेक्ट्रेट में बैठे हुए हैं और सबका इंटरव्यू कर रहे हैं, यह बलिया की मैं बात करता हूँ कि सपा सरकार में जितना विकास और जितनी योजनाएं बलिया के जमीन पर लागू हुई, मुझे लगता है कि 4.5 साल का कार्यकाल बीजेपी का पूरा होने जा रहा है और इस पूरे कार्यकाल में एक शिलापट, एक विकास की कोई योजना, दो दो मंत्री, 4-4 विधायक के रहते हुए 4-4 सांसद, राज्यसभा 2, लोकसभा के सांसद के बावजूद भी एक कोई विकास का शिलापट बलिया की